दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों के लेकर के आया हूँ, राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ LDC भर्ती 2018 जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की गई थी। दोस्तों, उसकी नियुक्ति आदेश RPSC जिन अभ्यर्थियों को मिला था उनके नियुक्ति आदेश यहां पर राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय ने जारी कर दिए हैं। बड़ी अपडेट है दोस्तों, जिनको RPSC अलॉटेड हुआ था उनके नियुक्ति आदेश दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए महत्वपूर्ण अपडेट RPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर न्यूज एंड इवेंट्स के अंतर्गत आप लोग जानकारी देख सकते हैं। अब से कुछ देर पहले का अपडेट है दोस्तों, अपॉइंटमेंट लेटर रिगार्डिंग जॉइनिंग से रिलेटेड आपकी ये जानकारी है। देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये डेट आप लोग देख लें, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर कार्यालय आदेश, आयोग कार्यालय हेतु कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 उत्तीर्ण करने पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अकॉर्डिंग। दोस्तों, इसमें जो आपको पेमेंट के बारे में बताया गया 14,600, और उसके बाद दोस्तों आपको जो पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अकॉर्डिंग यहां पर पेमेंट भी दिया जाएगा। और दोस्तों देखिए यहां पर अभ्यर्थी का नाम, उसके बाद अभ्यर्थी का वर्ग, चयन वर्ग, आयोग हेतु मेरिट क्रमांक और जन्म दिनांक, दोस्तों ये यहां पर जानकारी दी गई है। ठीक है, उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने से 15 दिवस की अवधि में, दोस्तों 27 यानी कि आज ये आदेश जारी हुए हैं, और आपको 15 दिन तक कार्यभार यहाँ पर ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, किसी कारणवश अगर आप दोस्तों 15 दिन में अगर ये नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आपको कारण भी यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है, कब तक आप कार्य ग्रहण करेंगे, यानी कि इन 15 दिनों में आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, लेकिन मैं नहीं समझता नौकरी से ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण चीज़ हो सकती, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं पहुँच पा रहे हैं तो दोस्तों एक लेटर पर आपका वाजिब जो कारण लिख करके आपको RPSC को देना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आपके समस्त डॉक्यूमेंट सत्यापित प्रतियों के साथ, यानी कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट और उनकी फोटोकॉपी के साथ आपको जाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर 50 रुपये का एक स्टाम्प पेपर भी प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, उसमें लिखवाना है कि सारी की सारी जानकारियाँ दी गई हैं जो सही हैं। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर RPSC की ओर से ऑर्डर हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, आप लोग इनको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, और देखिए सारी की सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, और ये आपको एक एफिडेविट भी बनवाना है कार्य ग्रहण से पूर्व, यानी ज्वाइनिंग पर आप करने जाएंगे उससे पहले आपको ये आपका धूम्रपान नहीं करने, दहेज नहीं लेने, दोष या अधिक संता नहीं होने, उत्तरदायी व्यक्तियों पर चरित्र प्रमाण पत्र, शैक्षणिक संस्था प्रमाण पत्र, ये भी आपको देना होगा। सारे के सारे डॉक्यूमेंट तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा एक आपको एफिडेविट भी देना होगा। ठीक है दोस्तों, ये हैं बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जिनको आपको लेकर के जाना है, और समस्त चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों को यहाँ बनवाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मेडिकल जो आपका है पूर्व अधीक्षक जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर के समक्ष, ठीक है, तो अजमेर में ही आपका जो है मेडिकल जो है हेल्थ सर्टिफिकेट है वो वहीं पे बन जाएगा, इसलिए यहाँ से बनवा के ले जाने की कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है मेडिकल सर्टिफिकेट की। ठीक है, साफ साफ यहाँ पर बताया गया है, तो आपको एक चीज़ें करनी है, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। जिन अभ्यर्थियों को जो पहले से नौकरी में हैं उनको NOC देनी पड़ेगी, यानी कि अगर आप पहले से नौकरी में हैं और आपको फॉर्म में ये दर्शाया था कि मैं पहले कर्मचारी हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो वहाँ की NOC भी आप लोगों को चाहिएगी, तो NOC आप लेकर के जाएँ। काफ़ी सारी चीज़ इसमें दी गई हैं, जो मेन है मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है दोस्तों, और 14,600 रुपये आपको मिलेंगे, इस दौरान आपको कोई भी और भत्ते यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, और 2 साल के बाद आपका जो पे लेवल 5 है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट आपको दिया जाएगा। समस्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं, 36 अभ्यर्थियों को यहाँ पर नाम दिए गए हैं जिनको ज्वाइन करना है इसमें, वहाँ पर आपकी जितनी भी जो है मेरिट क्रमांक और सारी की सारी चीज़ें दी गई हैं, अपना नाम चेक करें और ज़रूर पहुँचें 15 दिन के अंदर, 27 से लेके आज से लेके 15 दिन जब तक होते हैं उससे पहले पहले आपको जाना है। अगर नहीं जा पाते हैं तो आपको फिर भी सूचना RPSC को देनी है कि इस कारण से मैं इतने दिनों बाद यहाँ पर ज्वाइन कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि दोस्तों RPSC के सेकंड ग्रेड के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अगर ऐसे अभ्यर्थी हैं तो वो अपना यहाँ पर
प्रतिवेदन जरूर दे दें, सूचना जरूर दें अगर नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं 15 दिन के अंदर। तो दोस्तों ये थी जानकारी आप लोगों के लिए, सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना काम दोस्तों, अपना जो कर्तव्य परायण है, जो आपकी ड्यूटी है, उसको अच्छे से निभाइएगा। और दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।